नीट पेपर लीक मामले पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में मामले पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नीट केस पर ट्रांसफर याचिका पर रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट का काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षकारों को जारी किया है नोटिस। तो केंद्र सरकार और साथ ही एनटीओ को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नोटिस जारी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में 8 जुलाई को अब मामले पर सुनवाई होगी। तो नीट पेपर लीक मामले पर यह अहम खबर सामने निकल कर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नीट केस की ट्रांसफर याचिका पर रोक लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट का काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार। तो सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षकारों को जारी किया है नोटिस। ये बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। केंद्र सरकार और एनटीए को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नोटिस जारी किया गया है। तो 8 जुलाई को अब इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। तो नीट पेपर लीक मामला, जहां पर इस मामले को लेकर लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से सियासत भी हो रही है, अलग अलग राज्यों में प्रदर्शन हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं अलग अलग मामलों में दायर की गई है और अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सभी पक्षकारों को एक नोटिस जारी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से केंद्र सरकार और एनटीए को नोटिस जारी किया गया है। 8 जुलाई को मामले में अगली सुनवाई होगी, नीट पेपर लीक मामले पर यह अहम सुनवाई। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने नीट केस की ट्रांसफर याचिका पर रोक लगाई है। वहीं सुप्रीम कोर्ट का काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार। तो पक्षकारों को नोटिस भी जारी किया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो देखिए, पहले ग्रेस मार्क को लेकर भी हमने देखा किस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। ग्रेस मार्क को रद्द किया गया, दोबारा से ग्रेस मार्क पाने वाले अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा ऑर्गेनाइज करने के लिए कहा गया। अब देखिए एनटीए को लेकर यह बड़ी जानकारी, सुप्रीम कोर्ट में आज मामले पर सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बड़ा आदेश आया है। नीट केस की ट्रांसफर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी गोपाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोपाल, क्या कुछ कहा गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पूरे मामले पर सुनवाई के दौरान? देखिए स्वाति, कुल 12 याचिका जो है आज लगी हुई थी, जिसमें 4 याचिका एनटीए की तरफ से दायर की गई थी और कहा गया था कि कोलकाता सहित विभिन्न हाईकोर्ट में जो याचिका दायर की गई है, उन सभी याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर किया जाए और सुप्रीम कोर्ट उन याचिकाओं पर सुनवाई करे। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो याचिकाकर्ता है, जिन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, उनको नोटिस जारी किया, 8 जवाब मांगा है। वहीं 8 जो छात्र थे जिन्होंने परीक्षा दिया था और उनका रिजल्ट जो है आया था, लेकिन उन्हें सरकारी जो है हॉस्पिटल ना मिल करके प्राइवेट हॉस्पिटल मिल रहा है, या उनका जो है काफी रैंक नीचे चला गया, तो उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अगला सुनवाई करेगा, लेकिन मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर हम काउंसलिंग पर रोक लगाते हैं तो परीक्षा अपने आप रद्द हो जाएगा, इसलिए हम काउंसलिंग पर फिलहाल रोक नहीं लगाएंगे, पहले एनटीए को जवाब देने दीजिए, उसके बाद ही आगे हम इस मामले में सुनवाई करेंगे। और 8 जुलाई को जब इस मामले में कोर्ट सुनवाई करेगा, उसके बाद देखना होगा कि कोर्ट का क्या कुछ आदेश आता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो पहले की टिप्पणी है, उसे समझा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर 0.11% भी इस मामले में अगर गड़बड़ी पाई गई तो हम इसे निपटेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि छात्र बहुत मेहनत से और ईमानदारी से छात्रों ने परीक्षा दिया है, उन्हें ऐसे ही बेकार नहीं जाने दिया जाएगा, इसे सुप्रीम कोर्ट देखेगा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था कि अगर गड़बड़ी हुई तो इस परीक्षा को रद्द किया जा सकता है, दोबारा परीक्षा कराने के आदेश दिए जा सकते हैं।